Hello, my dear students. Today we are going to discuss about reflex action and voluntary actions. So we are going to totally focus on a comparative view. So what is reflex action? We have discussed in last video that it is involuntary response. It is involuntary response. Without the conscious involvement of brain, that is why we are calling involuntary. और अगर हम लोग voluntary action में लिखेंगे तो ये voluntary action है, response start होगा और takes place with the involvement of brain. यहाँ पे brain का involvement होगा, involvement of brain. दूसरे point अगर हम लोग reflex action की students बात करें, तो reflex action it cannot be stopped. इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड. और वॉलेंट्री एक्शन का अगर दूसरा पॉइंट देखेंगे, वॉलेंट्री एक्शन डिपेंड करेगा विल ऑफ पर्सन. विल मतलब जो उस पर्सन की जो भी इच्छा है उस पर डिपेंड करेगा. वन कैन डिसाइड वेदर टू डू और नॉट. रिफ्लेक्स एक्शन हैपेंस ऑटोमेटिकली. यहाँ पे जो होगा आप लिख सकते हैं हैपेंस ऑटोमेटिकली. एग्जाम्पल में रिफ्लेक्स एक्शन में जैसे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स नी जर्क. दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आईज, दैट इज ब्लिंकिंग. और नेक्स्ट अगर यहाँ पे वॉलेंट्री एक्शन में नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखे हैं तो वॉलेंट्री एक्शन डू नॉट हैपन ऑटोमेटिकली. डू नॉट हैपन ऑटोमेटिकली. वहां पे चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं हो रही है. दूसरा पॉइंट ये, दे आर बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ पर्सन. यहाँ पे ब्रेन जो है कॉन्शियसली काम कर रहा है और यहाँ पे कोई भी कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है. आप लिख सकते हैं नो कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन. और यहाँ पे लिखेंगे कि जो वॉलेंट्री एक्शन है इट इन्वॉल्व्स वेल कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ ब्रेन. इन्वॉल्व्स वेल कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ ब्रेन. टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी. टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी. For example, when you bend down and pick up a book, coordinated activity is needed for eyes, hands as well as legs. So this is all about voluntary and reflex action, students. Thank you, students. I hope we will meet soon. Take care.